स्वागत है आपका AUBSP के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज तीन ऐसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है CA इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड के लिए जो स्टूडेंट में 2019 में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए एडमिट कार्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है ATC अकाउंटिंग टेस्ट टेक्नीशियन कोर्स जो ओल्ड स्कीम के हैं उनके लिए, और तीसरा है रीडिंग रूम जो CA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उसके बारे में। तो पहले अपने बात करते हैं नंबर वन एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड में आपको दो पेज दिया जाएगा, टू शीट दिया जाएगा। तो पेज नंबर टू में क्रॉस मार्किंग आप देखेंगे, उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको उस पेपर में एग्जेम्पशन है। ठीक है, स्टूडेंट के जो अभी एडमिट कार्ड आपको मिले होंगे उस एडमिट कार्ड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट दिया है। चाहे वो CA IPCC के स्टूडेंट हैं या फिर इंटरमीडिएट के या फिर CA फाइनल के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो OMR शीट के लिए जो सेकंड पेज है वहां पे आपको दो कॉलम मिलेगा। एक तो अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप जो आप बुकलेट या फिर OMR शीट देंगे उसके लिए एक रहेगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये भाई हमको तो इस पेपर में एग्जेम्पशन है, क्योंकि जिसमें MCQ कंपोनेंट नहीं होगा उसके अगेंस्ट में आपको क्रॉस मार्किंग दिखेगा। चलिए CA इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई जो अनाउंसमेंट है उसको क्लियरली एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एडमिट कार्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मे 2019 CA एग्जाम्स हैज बीन होस्टेड। ये तो अपने को पता है कि भाई होस्ट हो चुका है, हमने डाउनलोड भी कर लिया है। ठीक है, अच्छा ये अनाउंसमेंट आज के डेट अर्थात 14 मई 2019 के डेट में है। ठीक है, कैंडिडेट्स मे डाउनलोड द सेम एंड प्रिंट देम एट देयर कॉन्वेनियंस। ठीक है भाई, प्रिंट भी कर लिया, डाउनलोड भी कर लिया। इट मे बी नोटेड दैट पेज नंबर टू, राइट, पेज नंबर टू ऑफ द एडमिट कार्ड प्रोवाइड्स फॉर कॉलम्स फॉर टेकिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्विजिलेटर आफ्टर सबमिशन ऑफ द एंसर बुक। ये तो नॉर्मली रहता है, लेकिन इस बार कॉलम की जगह कॉलम्स है। ठीक है, एक कॉलम नहीं, दो कॉलम है। ठीक है, एट द एग्जाम सेंटर हॉल। इन सम पेपर्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक, OMR आंसर शीट एंड ऑल्सो द मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पेपर बुकलेट पार्ट ए पार्ट वन टू द इन्विजिलेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम बिफोर लिविंग द एग्जाम हॉल। आपको क्लियर हो गया, OMR शीट अपने को जमा करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर जो बुक है वो जमा करना है, इन्विजिलेटर का तो साइन एक रहता ही था, एक सिंगल कॉलम, अब डबल कॉलम का एडमिट कार्ड जो है सेकंड पेज में आपको मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली टू कॉलम्स हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन द पेज नंबर टू ऑफ द एडमिट कार्ड, वन फॉर टेकिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक नंबर वन एंड द अदर फॉर टेकिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर सबमिटिंग द OMR आंसर शीट and the MCQ booklet part 1 wherever applicable, right? In those papers where there is no MCQ component, a cross mark has been printed in the last column indicating that there is no OMR or MCQ component in that paper that needs to be submitted and acknowledged. Clear? Candidates are requested to take note of the above and act accordingly. It may be noted that the cross mark does not indicate grant of exemption in that paper. Clear हो गया? ये institute clearly बोल रहा है कि भाई ये exemption मत समझ लीजिए कि आपको इस paper में exemption है। ठीक है? ये एक important announcement था May 2019 में जो appear करने वाले हैं candidate उनके लिए। Second है sample question paper जो है CA इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, तो आप जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इस पेज पे विजिट करके यहां पे PDF फॉर्म में सैंपल क्वेश्चंस है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओल्ड स्कीम के जो है ATC अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स उनके लिए है, 30:70 का जो असेसमेंट है। ठीक है,
अच्छा, ये तीसरा नंबर जो अनाउंसमेंट है सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा है वो है रिगार्डिंग एक्सटेंडेड टाइमिंग ऑफ द रीडिंग रूम्स स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये स्पेशली टाइम जो है 8 AM टू 10 PM एग्जाम टाइम, ये आपका एग्जामिनेशन टाइम के ड्यूरेशन में स्टडी रूम का जो है टाइम आपको अलॉट किया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। 8 बजे सुबह से लेके आप 10 बजे रात तक आप स्टडी रूम में स्टडी कर सकते हैं, लिविंग रूम में, ठीक है। ICAI क्या बोल रहा है, ICAI through its regional councils and branches provided facility of reading rooms that are available all over India. The students find conducive academic environment these reading rooms and are using them in large numbers to learn and prepare for the CA examinations. भाई अगर आप CA institute द्वारा provide किया गया reading room का use करते हैं तो आप 10 बजे तक वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। यही जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये तीन न्यूज था, एक रीडिंग रूम, दूसरा ATC के बारे में, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा खासकर, और रीडिंग वाला भी, वैसे तो तीनों इम्पॉर्टेंट है भाई, जो रीडिंग रूम में जाते हैं उनको तो जाते समय ही पता चल जाएगा कि 10 बजे रात तक जो है वो अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स या क्रॉस जो मार्क है उसको आप एग्जेम्पशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।